हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक हेल्दी और इम्यून बूस्ट करने की रेसिपी शेयर करूंगी। आजकल जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वजह से आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। इसमें हल्दी के साथ साथ बाकी जितने भी इन्ग्रीडियंट्स हैं वो सारे फ़ायदेमंद हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस रेसिपी को फुल देखिएगा, मिस मत करिएगा। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये सब्ज़ी, तो चलिए हल्दी की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल डालेंगे, उसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। अब तेल के गर्म होने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और अदरक के पेस्ट को हल्का सा हम फ्राई करने देंगे। अब इसके बाद 1 टीस्पून हम लहसुन की कलियों को डाल देंगे तेल में और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर जो है ये एनहेंस हो। अब इसमें हम एक मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज को डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और गैस के फ्लेम को लो से मीडियम तक ही रखिएगा। तो देखिए प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब इसके बाद हम कटे हुए कैप्सिकम को डाल देंगे और साथ ही साथ टमेटो को भी डाल देंगे, सब हम लंबा लंबा करके काटे हैं। अब इसको भी हमें हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा। अब इसमें हमें स्वाद के अनुसार नमक को डाल देना है। अब इसमें हम कच्चे हल्दी को डाल देंगे, ये करीब 2 टेबलस्पून है, इसको भी हमने लंबा लंबा करके काटा है और साथ में हम गाजर भी डाल देंगे। अब इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए और गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें हमें 1/2 टीस्पून खसखस का पेस्ट डालना है, जिसको हम पॉपी सीड भी बोलते हैं, और साथ ही साथ सफ़ेद तिल का पेस्ट भी हम डालेंगे, ये 1 टीस्पून है, और मगज का पेस्ट भी हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। अब थोड़ा सा कटा हुआ अदरक भी हम ऊपर से डाल देंगे और सबको एक साथ मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ये पानी वाइट इसलिए लग रहा है क्योंकि इस कटोरी में हमें सफ़ेद तिल का पेस्ट रखा था। तो अब हम सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम 1 तेज़पत्ता डालेंगे और सूखा लाल मिर्च 1 हम डालेंगे। अब फिर से हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढक देंगे। अब 5 मिनट बाद ये ऑलमोस्ट रेडी है। हम एक बार चेक कर लेंगे हल्दी को कि ये अच्छे से बॉईल हुआ कि नहीं। अब लास्ट में थोड़ा सा हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और मिला के सर्व कर लेंगे इस सब्जी को। तो आप लोग प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और अगर अच्छा लगे हमारी रेसिपी तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके, शेयर करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इस रेसिपी के लिए 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे और एक न्यू रेसिपीज़ के साथ।